स्काउट गाइड संगठन द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर 3 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत मैराथन दौड़ से की गई। रविवार सुबह 7 बजे विवेकानंद चौक से घोड़ा फेर चौराहे तक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित स्काउट गाइड के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत स्काउट गाइड संगठन द्वारा 4 जून को विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे और 5 जून को गोष्ठी और रैली के साथ समापन होगा। आज कार्यक्रम के शुभारंभ में वन विभाग के ACF राजीव लोचन पाठक, डॉक्टर अमित चौहान CEO, गाइड कल्पना शर्मा और अशोक आहूजा भी मौजूद रहे। राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन विश्वव्यापी संगठन है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य आयोजन संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में होगा। उसी के तहत हम प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के रूप में ऐसे कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि आम जन इन कार्यक्रमों से जुड़े। आज हमने प्रतीकात्मक मैराथन दौड़ के माध्यम से लोगों को जागृति की बात की। 5 जून परसों है लेकिन अभी से लोग इस विषय में अपना काम शुरू कर दें। आज हमने पॉलीथीन हटाओ अभियान भी साथ साथ प्रारंभ किया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड और वन विभाग अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया गया है। मिनी मैराथन आज सुबह 7 बजे विवेकानंद चौक अलवर से प्रारंभ करके घोड़ा फेर चौराहे पर ख़त्म की गई। इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो संभागी रहेंगे उनको 5 जून का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है उस अवसर पर पारितोषिक वितरण किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के अवसर पर इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है स्काउट गाइड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वन विभाग के साथ में, तो प्रशासन भी इसके साथ में सहयोगी है। आज 3 तारीख को एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया स्काउट गाइड और वन विभाग के सहयोग से, जिसकी हरी झंडी दिखा करके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर श्री OP गुप्ता जी ने इनको रवाना किया था। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है पर्यावरण संरक्षण में विश्व पर्यावरण दिवस पे, इसका महत्वपूर्ण थीम ये है इस बार के लिए कि पॉलीथीन को उन्मूलन किया जाए हमारा। तो इसके लिए बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और इसके साथ में कुछ और प्रतियोगिता का आयोजन कल किया जाएगा और उसमें जो विजेता रहेंगे उनको पुरस्कार भी परसों दिया जाएगा।